हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रवीण शर्मा। और कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन सीरीज को। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप सबसे पहले तो मेरी इस वीडियो को देख लीजिए। यहाँ इसका लिंक मैंने यहाँ पे आई बटन में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जो BARC का जो मैकेनिकल का इंटरव्यू होता है उसका एक जनरलाइज इंफॉर्मेशन शेयर किया हुआ है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाए। और एक बार आपने उस वीडियो को देख लिया तो उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है पहले तो आप इसे कंटिन्यू रखें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस बंदे ने अपने फेवरेट सब्जेक्ट क्या क्या बताए पहले वो देखते हैं। सबसे पहला तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर फ्लूइड मैकेनिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स एंड लास्ट वन इज हीट ट्रांसफर। और जो पहला क्वेश्चन पूछा गया वो बड़ा ही सिंपल है। एक कैंटिलीवर बीम है और इस पे ये पॉइंट लोड P एक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो ड्रॉ SFD एंड BMD, इसमें SFD और BMD बनाना है। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक सिचुएशन दी गई है कि ये मेरा एक पाइप है जो इस तरह से बेंड है और ये एक फिक्स सपोर्ट के अंदर इस पाइप को फिक्स किया गया है। ठीक है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये एक बीम है जो कि फिक्स किया गया है एक एंड पे। यहाँ काफी इसका जो लेंथ है, मतलब काफी ज्यादा लेंथ इस वॉल के अंदर फिक्स किया गया है। तो इट इज बिहेव लाइक अ फिक्स कैंटिलीवर बीम और इसमें से ये हो रहा है वाटर फ्लो। ठीक है, ये हो रहा है वाटर फ्लो। तो ये केस में बोला है कि डिजाइन दी पाइप। तो इस पाइप को आप कैसे डिजाइन करोगे? जब ये वाटर फ्लो होगा तो इसके इस पाइप के ऊपर कौन सी लोडिंग एक्ट होगी? तो बेस्ड ऑन दैट आपको इस पाइप को डिजाइन करना है। अभी अगला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ये एक टैंक दिया गया और इसकी दो ओपनिंग है, एक यहां पे ओपनिंग है और दूसरी ये यहां पे है। ठीक है, ये इसको मैंने बंद किया हुआ है, ये वॉल्व से बंद है ऐसे। ठीक है, इनिशियल स्टेट में ये दोनों बंद है और ये मेरा इसमें भरा हुआ है पानी अप टू दिस लेवल। ये जो हाइट है ये है कैपिटल H और ये जो हाइट है ये भी है कैपिटल H। यहाँ पे एक टैंक रखा गया और सेम साइज का टैंक यहाँ पे भी रखा गया एक। ठीक है, दोनों एम्प्टी टैंक है, एम्प्टी टैंक ये भी है और ये भी है। तो इसमें ये बोला गया कि व्हेन आइदर ऑफ टैप ओपन्स देन व्हिच विल फिल फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं इसमें से मान लीजिए ये टैप ओपन करता हूं, ये वाला, तो इस टैंक को भरने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। और अगर मैं ये टैप ओपन करता हूं तो इसको भी भरने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा। तो दोनों में किसको कम टाइम लगेगा? ठीक है, ये इसमें बताना है और उसका रीजन कि उसमें अगर टाइम कम लग रहा है तो क्यों लग रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा ही है कुछ। ये एक टैंक है और यहाँ पे बॉटम में ओपनिंग है। ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज किया गया है और ये मेरा एक दूसरा एम्प्टी टैंक है और ये जो है टैंक पानी से भरा हुआ है। ओके, और दूसरी चीज इसमें एडिशनल चीज है, यहाँ पे एक बॉल है।
तो ये हाइट है h और ये हाइट भी है h। तो इसमें यही बोला गया कि इफ बॉल इज प्लेस्ड इन द टैंक देन विल टाइमिंग ऑफ फिलिंग द टैंक अफेक्ट और नॉट। तो जैसे आपने प्रीवियस केस में देखा ही था कि सेम सिचुएशन था, उसमें यहां पे बॉल नहीं था। अगर मैं इस टैप को ओपन करता हूं तो इस टैंक को भरने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर मैंने बॉल प्लेस कर दिया तो जो टाइम लगने वाला है क्या वो टाइम प्रीवियस केस के जैसा ही होगा या चेंज हो जाएगा, तो वो इसमें आपको बताना है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं। इसमें ये एक केस दिया गया कि ये मेरा टैंक है और इसके अंदर एक छोटा सा ग्लास है, उसके अंदर मैंने स्टील बॉल्स रख दी है, ठीक है। ये स्टील बॉल्स है, तो स्टील बॉल की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो मेरा ग्लास है ये थोड़ा सा अंदर वाटर में डीप हो जाएगा। तो ये हाइट मान लो है h, ये है मेरा केस वन, ये है इसमें वाटर और इसके अंदर जो है ये है स्टील बॉल्स। दूसरे केस में क्या बोला गया कि अगर मैं सेम इन बॉल्स को, ठीक है, इन बॉल्स को इस ग्लास में से निकाल के इस टैंक में फेंक देता हूं, ये मैंने यहां पे इस स्टील बॉल्स को यहां पे मैंने फेंक दिया टैंक के अंदर और ये मेरा एम्प्टी हो गया इस वक्त, ठीक है, ये ग्लास हो गया खाली पूरी तरह से। तो ये केस में ये जो हाइट होगी मेरी, ये जो हाइट अभी मुझे मिलेगी एच डैश, तो ये एच डैश क्या होगा, चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। एच डैश जो है क्या वो सेम होगा या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। ये मेरा दूसरा केस है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मतलब ये जो एच डैश है ये क्या इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम होगा, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, मतलब इफेक्ट क्या होगा इस बॉल, इस स्टील बॉल को इसमें फेंकने से। फिर लेट से मैं बोल देता हूं कि ये जो एच की वैल्यू है, इसमें आगे क्या दिया गया कि सिचुएशन तो आपको दे दी गई, ठीक है, उसमें पूछा गया कि क्या होगा। फिर अगर मान लीजिए इस एच की वैल्यू दे दी गई, एच की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और डेंसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ दिस वाटर, तो इसमें यह बोला गया कि बाय हाउ मच अमाउंट द एच वैल्यू चेंजेस। तो ये वाटर और ये स्टील बॉल, इसका डेंसिटी का रिलेशन दे दिया गया और एच का जो इनिशियल वैल्यू है वो भी दे दिया गया कि 10 सेंटीमीटर है। तो जैसे ही मैं इस स्टील बॉल को निकाल के इसमें फेंक देता हूं नीचे, तो कुछ तो एक वैल्यू मिलेगी, एच डैश मिल जाएगी, तो एच जो है वो एच डैश से चेंज हो गया। तो दोनों का क्या डिफरेंस आया, क्या वैल्यू चेंज हुई, तो वो इसमें पूछा है कि चेंज इन एच वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये प्रॉब्लम दिया गया कि एक सिलेंडर है और ये मेरा पिस्टन, बाहर एक्ट हो रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर की कंडीशन है V1, P1, V1 and T1 और गैस का, अंदर जो गैस है उसका मास दिया गया है M।
और ये पिस्टन का वेट भी दिया गया है इसमें, पिस्टन का वेट, इसका वेट है कैपिटल W। तो ये जो केस, ये जो सिचुएशन है, ये है इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन। अब क्या बोल रहा है कि इस कंटेनर को, ये जो पहले इस पोजीशन में रखा गया था, इसको फ्लिप कर दिया गया है, उल्टा कर दिया गया है। तो उल्टा करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो गया है, इसको मैं बोल सकता हूं कि फाइनल कंडीशन, और अंदर जो स्टेट है वो है P2, V2 एंड टेम्परेचर इज T2, और मास तो एज इट इज सेम ही रहने वाला है क्योंकि ये क्लोज सिस्टम है, ठीक है। मास ऑफ गैस, और इसमें ये भी बोला गया है कि ये जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है, ये है फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शन लेस। तो पहला ये स्टेट है, दूसरा ये स्टेट है। तो इसके जो पैरामीटर्स हैं, ये जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो पैरामीटर्स हैं, इसको कंपेयर करने के लिए इसका आपको बोला गया है कि पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, इसका आपको पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये पहला प्रॉब्लम इसमें पूछा गया। फिर उसके बाद सेम ये जो कंडीशन है, ये वाली, ठीक है, ये वाली सिचुएशन, फिर से मैं इसको यहां पे लेता हूं, अलग से ड्रॉ करता हूं। ये है P2, V2 और ये T2, और गैस का जो मास है, गैस मास इज स्मॉल m। ये मैं बोल सकता हूं इसका पहला सब प्रॉब्लम, ये इसका दूसरा सब प्रॉब्लम। तो अब ये कंडीशन दी गई है, अब इसमें ये बोला गया है कि इसके जो रीडिंग्स हैं, ठीक है, एक रीडिंग मैंने लिया, जो फर्स्ट रीडिंग ली, फर्स्ट रीडिंग वो लिया मैंने डे में, और सेकंड रीडिंग जो लिया, ये लिया नाइट में। एक रीडिंग डे में ली मैंने और दूसरी रीडिंग नाइट में ली। तो ये जो भी आपने रीडिंग लिया है, इसको आपको, इसका जो प्रोसेस है वो पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये डे में लिया तो वो एक स्टेट हो गई, फिर उसके बाद आपने इसी, इसका जो दूसरा जो रीडिंग लिया वो नाइट में लिया, तो इसकी स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये जो स्टेट है, ये एक प्रोसेस फॉलो कर रही है, तो उस प्रोसेस को आपको पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करना है। फिर तो इसमें ही आगे पूछा गया कि ये जो पिस्टन है मेरा, ठीक है, ये पिस्टन, इसका मोशन फ्रॉम डे टू नाइट कैसा होगा, हाउ विल बी द मोशन ऑफ पिस्टन फ्रॉम डे टू नाइट कैसे होगा, मतलब वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करेगा, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो चलो अगला प्रॉब्लम देखते हैं फिर। तो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया, अब इस बंदे ने अपनी जो हॉबी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, हॉबी जो है इस बंदे ने बताई है केरम। तो अब कुछ क्वेश्चन केरम से भी होंगे। तो पहला जो क्वेश्चन केरम से पूछा गया, व्हाट इज द रीजन फॉर प्रोफाइल ऑन केरम कॉइंस। तो इसका पर्पस क्या है, ये जो केरम का आपने कॉइन देखा होगा, अगर मैं उसका टॉप व्यू ड्रॉ करूं तो वो कुछ इस तरह से होता है, इसमें कैविटी टाइप होती है, मतलब इस तरह से जो है थोड़ा थोड़ा जो केरम में से मटेरियल निकला हुआ रहता है, ठीक है, कैविटी एक तरह से मैं बोलूंगा कि सर्कुलर एक कैविटी टाइप होती है। तो ये क्यों होता है, इसका रीजन आपको बताना होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट केरम के ऊपर ही है वो भी, विच स्ट्राइकर विल यू प्रीफर फॉर प्लेइंग लाइट और हैवी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कैसा स्ट्राइकर आप यूज करने वाले हो,
कैरम का गेम खेलने के लिए और उसका रीजन, ये मैंने काफी वीडियोस में ये चीज बताई है कि आप जो भी आंसर देंगे उसको आपको जस्टिफाई करना होगा, और जो भी आप जस्टिफिकेशन देंगे वो थोड़ा सा एक लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया, एक लॉजिकल आंसर। फिर उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, टू एक्यूरेटली पॉकेट दी कॉइंस विच स्ट्राइकर विल यू प्रीफर। तो कॉइन को पॉकेट में एक्यूरेटली डालने के लिए, इजिली पॉकेट में चली जाए, उसके लिए हम लोग किस टाइप का स्ट्राइकर प्रीफर करेंगे, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ साइड व्यू ऑफ द बैट, ठीक है, तो क्रिकेट गेम खेलने के लिए जो हम लोग बैट का यूज करते हैं उसका साइड व्यू इसमें पूछा गया कि कैसा दिखता है वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई बैट पोर्शन अबव द बॉटम पॉइंट इज थिक, बाकी पोर्शन की जगह सबसे ज्यादा यहीं पे है, ऐसा क्यों, ठीक है, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। द नेक्स्ट वन इज वेयर शुड आई हिट द बॉल ऑन द बैट टू हैव मिनिमम फोर्स ऑन द हैंड एंड हिट विथ मैक्सिमम पावर फॉर अ सिक्स। तो बॉल को अगर मुझे हिट करना है तो बैट के किस पोर्शन पे वो बॉल टच होना चाहिए, सो दैट जो मेरे हाथ पे जो रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा वो मिनिमम हो, और ये प्रोबेबिलिटी हो कि इतना ज्यादा मोमेंटम मिले बॉल को कि वो सिक्स चले जाए, ठीक है, तो कहां पे हिट करना होगा और इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है वो आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। इसमें जो जो क्वेश्चन पूछा गया वो है कि कंपोजिट एंड फ्लिच बीम कंसेप्ट, तो इसमें आपको ये बताना है कि जो भी बीम के डिजाइन में हम लोग कंपोजिट और फ्लिच का जो कंसेप्ट यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, इसमें एडवांटेज क्या है, ठीक है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या डिफरेंस मिलेगा वो आपको बताना है, इसमें जो रेजिस्टिंग मोमेंट है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है, तो इसके दोनों में एडवांटेज क्या है वो इसमें आपको बताना होगा, और इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है वो भी इसमें एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद ये पूछा गया है कि इफ वी हैव, ये इसका सब क्वेश्चन है, इफ वी हैव रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन देन विच ओरिएंटेशन इज वेरी यूजफुल। तो अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो अगर मुझे ऑप्टिमम डिजाइन करना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसका ओरिएंटेशन कैसा रखना होगा, ये अगर मेरे पास कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये अगर एक डायमेंशन है ए और ये दूसरी डायमेंशन है बी, तो किस तरह से मैं इसे पोजीशन करूं कि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि मुझे मटेरियल में जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है उसको मिनिमाइज करना है, ठीक है, और दूसरी ये भी चीज है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव कैसे फुलफिल होगा तो वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो इस बंदे से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ओके।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।